जैसा ये कह रहे थे कि परिवार नहीं जाएगा, अमेठी वाले किसी को जाने नहीं देते, आप थोड़ा सा नहीं उठे कि आपको रोकने लग गए थे और आपने कहा कि मैं जा नहीं रहा हूँ, क्या है अमेठी के दिलो दिमाग में? जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया के किसी कोने में और भारत के हर कोने में अगर आप चले जाएं तो अमेठी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि अमेठी है कहाँ। उसकी अपनी एक खास पहचान है, वो पहचान गांधी परिवार से ही है। और यहाँ यह क्षेत्र जो है हमेशा राजीव गांधी से लेकर के और सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तमाम सब लोगों के माध्यम से, प्रियंका गांधी, सब लोग यहाँ से अपना प्रतिनिधित्व नहीं किए, अमेठी के घर में बसे हुए हैं। मैं तो यह कहना चाहूँगा कि मुद्दे तो बहुत हैं, महंगाई, बेरोजगारी, मंदी का शिकार पूरी मंडी हो चुकी है, तमाम सारी, लेकिन मैं तो जल और पर्यावरण प्रकृति पर मैं काम करता हूँ। जिन मुद्दों को ज़्यादा उठाने की ज़रूरत है, ये हमारी पानीदार अमेठी आज बेपानी हो चुकी है। मतलब पानी यदि नहीं रहेगा तो पानीदार व्यक्ति नहीं होगा, पानीदार समाज नहीं होगा। अमेठी जो है, हम लोग कहीं जाते हैं तो मुझसे पूछते हैं अमेठी में है क्या, अब बताने के लिए कुछ रह ही नहीं गया है। कभी अचल बीएचएल तमाम सब थे, अब तो मेरे ख्याल से कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अमेठी में बताई जा सके कि हमारी अमेठी है क्या, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे जिस क्षेत्र में, विकास के नाम पर क्या ये 5 किलो का राशन कोई माने नहीं रखता है, बस वो अकेले रह गया है। आज अमेठी जो पानीदार अमेठी थी, आज यहाँ की नदियाँ सूख चुकी हैं, यहाँ के पोखरे खाली पड़े हुए हैं, त्राह त्राह मची हुई है। और जब प्रकृति पर्यावरण ही नहीं रहेगा, संस्कृति नहीं रहेगी, तो फिर उस क्षेत्र का अस्तित्व तो कहाँ से रहेगा। इसलिए मेरा यह कहना है कि कम से कम जितने ये इन प्रतिनिधियों ने, पहले राजीव गांधी ने इसका सर्वे करवाया, यहाँ का हर चीज़ का अमेठी का देखा कि पानी का कहाँ कैसे क्या है। आज यहाँ की नदियों को, जहाँ स्थानीय नदियाँ मालती उज्जैनी हैं, इनको उनको उनको ड्रेन का रूप दे दिया गया, सरकारी कार्ड में उनको ड्रेन बना दिया गया, नदियों को ड्रेन बना जाना कहा तो कुछ ठीक है। इसीलिए मैं डॉक्टर अर्जुन पांडे, मैं प्रोफेसर रहा, क्योंकि यहाँ सब आपको प्रोफेसर साहब बोल रहे थे, मैं नाम नहीं पूछ पाया। मैं अर्जुन पांडे और मैं 40 साल यहाँ प्रोफेसर रहा हूँ और प्रकृति पर्यावरण पर हम यहाँ पर काम करते हैं, जल पर काम करते हैं। और जनता जनता के दिल दिमाग में है कि अब इस समय हमारा भादर जो है, एक चीज बताना चाहूँगा, भादर हमारा जो है एकदम पानी से सून हो गया। वहाँ कोको कोला कंपनी जो अमेठी पहचान बनाई जाती है, दुर्भाग्य का विषय है किसी प्रतिनिधि के द्वारा ही बताने जाना कि ये कोका कोला अमेठी की पहचान है। बताइए कोका कोला खोने से अमेठी की दशा क्या होगी? वहाँ ये कम से कम सैकड़ों ऐसी बॉटलिंग प्लांट बिना अनथराइज चल रही, पहले रेल लीर अकेला था, और उसके कारण यहाँ जो पानी है जमीन का वो चला, पानी का लेवल इतना नीचे जा चुका है कि अब कहीं पानी है ही नहीं है। वाटर लेवलिंग प्लांट जो कि अधिकृत रूप से नहीं है, उसकी सबसे बड़ा मुद्दा अमेठी के लिए बनता जा रहा है। पानी रहेगी तो खेती किसानी सब कुछ रहेगी, जवानी रहेगी, सब कुछ रहेगा, इस पर सब पे खतरे मंडरा रहे हैं। इसलिए मैं जरूर इस चीज को कहना चाहूंगा कि ये इस चीज को भी मुद्दों में अपने शामिल करके इस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। और लड़के, चूंकि मैं 40 साल प्रोफेसर रहा, लड़के घूमते दिखाई पड़ते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।